एवरीवन, सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एग्ज़ाम की डिमांड को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पाथ पे नहीं चलेंगे तो हम इधर उधर भटक जाएंगे। ठीक है, तो पाथ पे चलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग है, बट सिलेबस सेम रहता है, बट चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक आप जाते हो तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, और हर लाइन में, हर चीज़ में बारीकी से देखें कि क्या चीज़ कहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फोकस करें, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ते हैं टेंथ में, वहाँ छूट जाता है सब कुछ बेसिकली, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, टेस्ट सीरीज करके बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, नो डाउट। सबसे बड़ी बात कि अगर आपका जो भी स्कोर आता है टेस्ट सीरीज में, तो जो क्वेश्चन आपका गलत होता है या फिर जिसमें कम मार्क्स मिलते हैं, उसे आप घर पे जाके एनालाइज करिए कि कहाँ कमी रही, या फिर सर से डिस्कशन करिए कि कहाँ कमी रही, तो उसे जो चीज़ आपकी छूटी है या फिर जो चीज़ आपका गलत हुआ है, तो उस चीज़ पे वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। मैं हमेशा हर पेपर में यही करती थी कि जो भी चीज़ मेरी गलत होती, क्वेश्चन गलत होता था, तो मैं उसको एक बार देखती थी कि हाँ कहाँ ये चीज़ है या फिर किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये चीज़ था। बाकी मैं इंटरव्यू में बहुत हालत ख़राब थी, नो डाउट, बहुत टेंशन था, बहुत ऐसा लोड था सिर पे कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हर कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन उठा हो रहे थे, तो नो डाउट कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इतने एक्सपीरियंस लोग सामने बैठे हैं हमारे, हमारा तो बहुत डर लग रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मेरा एक ही चीज़ थी कि सेल्फ मोटिवेट रखो खुद को, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। और बस कुछ भी करो, हार्डवर्क करो, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैंने एक प्लान बना लिया था कि बस मुझे 197 में आना है, कैसे भी आना है, बट आना ज़रूर है, बस ये था। तो बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी खुद से प्लान करो और अपना बेस्ट दे रहे हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गिव योर बेस्ट एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ पर किसी ना किसी दिन ज़रूर आओगे, डेफिनेटली।